आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटी में यह नया बदलाव आया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। सर ये क्या बोला है, ये नई चीज क्या आ गई? देखो भैया, पहले इस चीज को समझ लो कि जीएसटी के अंदर जो हमारा आईटीसी होता है वो दो तरीके का होता है सर। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। सर ये तो हमने कभी नहीं सुना। अब इस चीज को जरा समझना कि लेट सपोज करो तुमने कोई आईटीसी क्लेम कर लिया, 1 जनवरी को तुम कोई सामान खरीद के लाए 10 लाख रुपए का और आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया। भाई आईटीसी क्लेम अगर आपने इस पे कर लिया 1,80,000 का, तो सेक्शन 16 हमारा क्या कहता है कि भाई इसकी पेमेंट 180 दिनों के अंदर कर दो। अगर 180 दिनों के अंदर इसकी पेमेंट नहीं करते हो तो भाई इस आईटीसी को रिवर्सल कर दे, और जिस दिन आप इसकी पेमेंट करोगे पार्टी को तब दोबारा रिक्लेम कर लेना। लेकिन बहुत सारे लोग करते ही नहीं, लेकिन अब तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने सामान खरीदा मुंबई से सामान खरीदा 31 अगस्त को और आपके पास माल चलकर आया 3 सितंबर को। अब जो मुंबई वाला सप्लायर है उसने तो अपने GSTR 1 में इस बिल को डाल दिया होगा 31 अगस्त में, और मतलब कि जब आप अपने सितंबर की 3B फाइल कर रहे होंगे आपको शो भी कर रहा होगा आपके 2B में, लेकिन आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी क्यों नहीं क्लेम कर सकते? क्योंकि भाई जब गुड्स आपके पास सितंबर में आए हैं तो आप सितंबर की रिटर्न में एलिजिबल होंगे इसका आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो इस तरह का जो आईटीसी होता है वो आपको टेम्परेरी बेसिस पर रिवर्सल करना होता है, टेम्परेरी बेसिस पर रिवर्सल करना होता है और बाद में रिक्लेम करना होता है। इसी तरीके से एक परमानेंट रिवर्सल होता है, जैसे कि मान लो खाने का आईटीसी है वो परमानेंट रिवर्सल में आता है। तो गवर्नमेंट के सामने क्या दिक्कत थी, एक व्यक्ति क्या करता था टेम्परेरी जो रिवर्सल करा उसने आईटीसी रिवर्सल करा 30,000 और बाद में रिक्लेम कर लिया 50,000। गवर्नमेंट कह रही भाई तू तो हमारा अलग ही पागल बना रहा है, रिवर्सल करता है 30,000 बाद में रिक्लेम कर लेता है 50,000। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल के ऊपर आपको एक फॉर्म दे दिया, आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई पहले इस बात को सुन लो कि जब आप रिक्लेम करोगे या जब आप रिवर्सल करोगे दोनों ही चीजों के केस में आपकी ये एंट्री लेजर में अपडेट हो जाएगी। सर क्या मतलब? सर इस बात को समझना, अभी तक क्या करा हुआ है मैंने अप्रैल से लेकर अगस्त तक रिवर्सल कर रखा है आईटीसी। मैंने आईटीसी रिवर्सल क्यों कर रखा है? क्योंकि मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो मैंने जो आईटीसी रिवर्सल कर रखा है टेम्परेरी वो लेट सपोज करो 1,00,000 रुपए कर रखा है। अब मैं उसकी जो पेमेंट करता हूँ वो करता हूँ जनवरी 24 में जाकर। तो जब मैं जनवरी 24 में जाकर पेमेंट करूंगा तो यहां पर मैं रिक्लेम कर सकता हूँ आईटीसी। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम चाहते हो जनवरी 24 में जाकर रिक्लेम करना तो पोर्टल पर एक लेजर है उसमें अपना ओपनिंग बैलेंस अपडेट कर देना। ओपनिंग बैलेंस किसका अपडेट करना है कि भाई मैंने इतना आईटीसी रिवर्सल कर रखा है टेम्परेरी बेसिस पर। सर ये बात कहा लिखी है, इन्होंने एडवाइजरी दी है, एडवाइजरी के अंदर लिखा है कि भाई हमने आपको कि आप कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स ना करो, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिक्लेम स्टेटमेंट बना दी है। तो जो भी आईटीसी आप रिवर्सल करोगे 4B2 में, किस में रिवर्सल करोगे 4B2 में, 4B2 का रिवर्सल होता है टेम्परेरी रिवर्सल, और बाद में जब आप उसे रिक्लेम करोगे तो रिक्लेम किस में करते हो 4A5 में, और आपको उसे शो करना होता है 4D1 में। तो अगर आप इन टेबल में दोबारा से उसे रिक्लेम करते हो तो इसकी अब हम अकाउंटिंग रखेंगे, इसकी अब हम अकाउंटिंग रखेंगे। तो इन्होंने बोल दिया कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा आईटीसी है जो तुमने टेम्परेरी बेस पर रिवर्सल कर रखा है, ठीक है ना, अगस्त 2023 तक, ठीक है ना, या अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो जुलाई से सितंबर 2023 तक, आप चेक कर लो कि अगर आपने किसी का रिवर्सल कर रखा है, अगर आपने ऐसे किसी का रिवर्सल कर रखा है तो आप ओपनिंग बैलेंस में उसे अपडेट कर दो पोर्टल पर जाकर।
अगर पोर्टल पर जाकर आपने उसे ओपनिंग बैलेंस में अपडेट नहीं करा, तो जब आप उसे दोबारा रिक्लेम करोगे तो हम उसे रिक्लेम करने नहीं देंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस कब तक अपडेट करना है, टेंशन मत लो, 30 नवंबर तक अपडेट करना है। तो पहले आपको क्या करनी है, एक कैलकुलेशन समझनी है कि सर मेरे को अभी तक मैंने कितना टेम्परेरी रिवर्सल करा हुआ है, और आपको वो कैलकुलेशन निकालनी है। और अगर आपको लगता है कि आपने 50,000, 1,00,000, 5,000, 10,000 कुछ भी ऐसा ITC है जो टेम्परेरी रिवर्सल कर रखा है और आप उसे रिक्लेम करना चाहते हैं दोबारा, और लेकिन अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई, आपने अपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करी या कुछ भी ऐसी कंडीशन पूरी नहीं हुई कि जो आप रिक्लेम कर पाओ, तो आप उस वाले बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में डाल देना। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर, ये वाली बात हमारे को क्लियर होगी। अगर मान लो तुमने, अभी तुम्हें पता नहीं था, तुमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया जी मेरा तो 1,00,000 रुपये ऐसा है जो मैंने रिवर्सल कर रखा है, रिक्लेम करना है, बाद में पता लगा नहीं भाई ये तो 1,50,000 था, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, तुम अमेंड कर लो, अमेंड करके नया बैलेंस डाल दो, ठीक है ना। लेकिन कब तक दी जाएगी, कब तक दी जाएगी ये वाली फैसिलिटी, 30 नवंबर तक, ठीक है कि 30 ठीक है ना। तो आप इसे अमेंड भी कर सकते हो। तो अब ये करना कैसे भाई, लेकिन एक चीज समझ लेना, 30 नवंबर के बाद और 31 दिसंबर तक ओनली अमेंडमेंट फैसिलिटी विल बी परमिटेड एंड ऑप्शन फॉर फ्रेश रिपोर्टिंग विल नॉट बी अवेलेबल। अगर आप नहीं कर पाए 30 नवंबर तक, ठीक है ना, तब आपको फ्रेश में ओपनिंग बैलेंस डालने नहीं दिया जाएगा, क्लियर है जी। और 31 दिसंबर के बाद तो ये अमेंडमेंट फैसिलिटी भी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो ये पोर्टल पर आ चुकी है, तो पोर्टल पर लॉगिन करके अगर आपका कोई टेम्परेरी रिवर्सल है तो आप वहां पर उसे डाल दो, ठीक है, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जो आप अभी तक रिवर्स कर चुके हो, और जब आप दोबारा रिक्लेम करोगे तो आपको उसमें आसानी रहेगी। अगर ये सारी डिटेल्स आप डिटेल में समझना चाहते हैं, पूरा कोर्स में समझना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर हमने फुल कोर्स डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, लाइव में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करके फ्री कोर्स इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।